जब नतीजे आएंगे 4 तारीख को, मैक्सिमम सीट जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। मैं औरों की तरह झूठे दावे तो नहीं करता कि 10 की 10 जीतेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। आपने देखा आज खुद हमारे जो नॉमिनेशन में आए हुए लोग थे वो टोटल सरसा लोकसभा क्षेत्र से थे और बहुत बड़ी संख्या में थे। बाकियों ने नॉमिनेशन जिन्होंने फाइल किए सबके बाहर से लाए हुए लोग थे। सरसा में तो उनका विरोध है। शैलजा जी जब नॉमिनेशन के लिए आई थी यहाँ, जब रोड शो किया उन्होंने, पूरे हरियाणा प्रदेश से अपने समर्थकों को उन्होंने बुलाया। हमारे टोटल के टोटल लोकसभा क्षेत्र के समर्थक आए हैं और आप देखना 7 तारीख से हम अपना चुनाव शुरू कर रहे हैं प्रचार, और 7 से प्रचार करके 7 से लेकर के 8 दिन मतलब 15 तारीख तक, 14 तारीख तक हमारा ये पूरा प्रचार बहुत बम्पर तरीके से हम इसको चलाएंगे। उसके बाद हमारी सारी टीमें जो है आज से ही डोर टू डोर जाना शुरू कर देगी। हमारे जोन के इंचार्जों की आज ड्यूटी हमने लगा दी, वो अपने अपने जोन में हर घर में जा कर के वोट मांग करके आएंगे और 20 तारीख का निमंत्रण दे करके आएंगे। 20 तारीख को हमने बड़ा जलसा रखा है। हम 20 तारीख को स्पष्ट कर देंगे कि सरसा जीत चुके हैं। आप खुद ये कहोगे कि सरसा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत रही है। 20 को कईयों के बोरी बिस्तरे गोल करा दूंगा मैं यहाँ से। आपके नॉमिनेशन में सुखबीर बादल भी आए थे, क्या मान के चले कि अब 20 दिन वो प्रचार खूब करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उनका एक एक पार्टी का समर्थक जो है, जो उनके पदाधिकारी हरियाणा के जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे है, वो सब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रचार में पूरी तरह से लगे हुए हैं। केवल अकाली दल नहीं, हमारे साथ 4 पार्टियों का गठबंधन है। हमारा अकाली दल है, इंडियन नेशनल लोकदल है, उसके साथ आरजेपी है, और आरजेपी के साथ जो आपकी पार्टी है एनसीपी भी हमारे साथ गठबंधन में है। हम चारों मिलकर के इस चुनाव को लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो कुंडू विधायक है उनका भी हमें पूरा समर्थन है इसमें। बलराज कुंडू जो है उनका भी हमारे साथ पूरा समर्थन है, और हम आगे मिलकर के विधानसभा का चुनाव सब मिलकर के लड़ेंगे। बीजेपी 400 का दावा कर रही है, 400 पार कर रही है। बीजेपी की फूंक निकल गई, चिंता मत कर। आज तुमने देखा नहीं आज बीजेपी की क्या हालत थी? आज जब हमारे थे तो जितना उनका तामझाम था सारा दफ्तर के आगे खड़ा था। 100 आदमी भी नहीं कह सकते आप, 100 की भी गिनती नहीं है। जितने लोग साथ होते हैं उससे दोगुना पुलिस फोर्स जाती है, तब जा करके विचारों को कहीं गांव के अंदर कोई बढ़ने देता है। गांव में सुनने वाला नहीं आता कोई। हर व्यक्ति हर वक्त जब भी बीजेपी का कोई नाम लेता है उसका डट करके विरोध करते हैं। बीजेपी के पहले फ्लैक्स लगाए गए फिर उतारे गए जी। बीजेपी ने आज जो है मतलब देखा जाए तो सरकारी साधनों का दुरुपयोग है। ये जिस तरीके से आज उन्होंने जगह जगह अपने होल्डिंग लगाई जो सरकारी संस्थाओं पर लगाए, और अब उसको उतारने का काम कर रहे हैं। हमारे पास वीडियोज़ हैं उसकी, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करेंगे, उनको कहेंगे कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें।